स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन ने खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट जारी की है। बताते चलें, इस वर्ष इस रिपोर्ट में 154 देशों का आकलन किया गया है। अगर रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो भारत में छिपी हुई कृषि खाद्य लागत लगभग $1.1 ट्रिलियन तक पहुँच गई है, जिससे भारत अब चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस छिपी हुई लागत के अंतर्गत पर्यावरण व्यय, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नाइट्रोजन उत्सर्जन आदि शामिल हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन, पानी का उपयोग, आहार पैटर्न के कारण स्वास्थ्य संबंधित नुकसान और गरीबी तथा अल्पोषण से जुड़ी लागत शामिल हैं। इस समय कुल $12.7 ट्रिलियन वैश्विक छिपी हुई लागत में भारत की हिस्सेदारी 8.8% है। अब अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में छिपी हुई लागत का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 60% बीमारी के बोझ यानी आहार पैटर्न के कारण उत्पादकता में कमी से उत्पन्न होता है। ध्यान रहे, कृषि खाद्य श्रमिकों की गरीबी से जुड़ी सामाजिक लागतों ने छिपी हुई लागत में 14% का योगदान दिया है। एक बात ध्यान रहे, नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित पर्यावरण लागत भारत में छिपी हुई लागत का 13% है। अब अगर वैश्विक संदर्भ की बात करें तो चीन ने वैश्विक छिपी लागत में 20% का योगदान दिया है और यूएसए ने 12.3% का योगदान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, छिपी हुई अधिकांश लागतें उच्च मध्यम आय वाले देशों और उच्च आय वाले देशों में उत्पन्न हुई हैं। पर्यावरण लागत वैश्विक छिपी हुई लागत का 20% है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, भूमि उपयोग परिवर्तन और पानी के उपयोग से उत्पन्न हुई है। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।